राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े वर्ल्ड ट्रेड पार्क शॉपिंग मॉल से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां चेकिंग के नाम पर एक महिला के जबरन कपड़े उतरवा लिए गए। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने शोरूम मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह चौंकाने वाली घटना 20 दिसंबर की रात करीब 8 बजे के आसपास की है, जहां जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल में एक महिला शॉपिंग करने के लिए मार्क एंड स्पेंसर में गई थी। इस दौरान उसने अपने लिए कुछ कपड़े पसंद किए और वो उनकी ट्रायल लेने के लिए चेंजिंग रूम में गई। ट्राई करते वक्त उसे कुछ कपड़ों के साइज सही नहीं आए, तो उसने रूम के बाहर खड़े एक सेल्समैन से कुछ और अपने साइज के कपड़े मंगवाए। पीड़िता इस दौरान अपने कपड़े पसंद करने के बाद उनकी बिलिंग करवाने के लिए कैश काउंटर पर गई। तभी सेल्समैन ने कहा कि ट्रायल किए गए कपड़ों में एक पीस कम है। पीड़िता ने अपने साथ रखे एक छोटा बैग दिखाया और कहा, मेरे पास तो नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हैं। इसके बाद जब चेकिंग की गई तो बैग में कुछ नहीं मिला। महिला के बैग में कुछ नहीं मिला फिर भी सेल्समैन नहीं माना और शोरूम मैनेजर को पूरी बात बताई। इसके बाद एक महिला गार्ड को बुलाया और पीड़िता के कपड़े उतार कर तलाशी लेने को कहा गया। वह आंसू बहाती रही मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद महिला गार्ड सबके सामने महिला को चेंजिंग रूम में ले गई और पीड़िता के सारे कपड़े उतरवा कर तलाशी ली। हालांकि चेकिंग में भी कुछ नहीं मिला। मॉल में उसके साथ हुई इस घटना के बाद पीड़िता रोते हुए अपने घर गई और परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने जवाहर सर्किल थाने में शोरूम मालिक, मैनेजर, दोनों सेल्समैन और महिला गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां भी जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो वह एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे, तब कहीं जाकर केस दर्ज हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।